अब आप ठीक लग रहे हैं। अब कैसा लग रहा हूँ? हाँ? आप कुछ नहीं लग रहे। कुछ नहीं लग रहा हूँ? इंसान तो लग रहा हूँ ना? इंसान लग रहे हो। फिर ठीक है, फिर ठीक है। ओ पुत्र जी, मैंने भी तो बताया यार, मैं कैसा लग रहा हूँ। परफेक्ट, लेट्स गो, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया। चलो है जी, की व्हाट? नहीं, मैं क्या, तूने भी चेंज कर लिया? वो साड़ी में थोड़ा दाग लगा था, बाकी कुछ नहीं। लेट्स गो, वरना वो लोग सामान कैंसिल कर देंगे। अमरीश, आप सब बाहर नहीं जा सकते। उफ रजनी, आप क्या है? आपका घर से बाहर जाना ठीक नहीं होगा। क्यों ठीक नहीं है यार? पहली बार ही मेरा कोई सामान करने जा रही है। जाने दे, जाने दे, आजो, आजो। नहीं जाने दे सकती। अरे लेकिन क्यों नहीं जाने दे सकती? क्योंकि बाहर शेर है। भाभी, शहर में शेर कैसे आ सकता है? जी हाँ, बाहर शेर है, मैंने उसकी आवाज सुनी। ओए पुत्र जी, इधर एक ही पंजाब का शेर है और एक ही बंगाल की शेरनी है, दूजा कोई शेर फेर यहाँ नहीं फटक सकता। ठीक है, अगर आप सब जाना ही चाहते हैं, तो पहले मैं चेक करना चाहूंगी। आज सुबह ही टीवी पर देखा था कि शहर में एक शेर घुस आया है। भाऊजी, भाऊजी, अरे आप क्यों पसीना पसीना हो रहे हैं? आप तो पंजाब दे शेर हैं। यार मैं भले पंजाब का शेर हूँ, पर वो सारे जंगल का शेर है। ओले, मैंने छड़ उधर देख अपनी बंगाल की शेरनी को, वो मुझसे ज्यादा थक्कर 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 कांप रही है यार। No, I'm okay. मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फोन लगाता हूँ। हाँ हाँ, लगा लगा, पता लगा। यार पहली बारी कोई मेरा सम्मान करने वाला था यार, पर आज ही शेर को आना था शहर में। ओ पुत्र, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फोन लगा। बाऊजी, जंगल में शायद नेटवर्क नहीं है, लग नहीं रहा है फोन। मैंने फैमिली को बाहर जाने से रोक कर अपना काम पूरा कर दिया। I hope शान भी अपना काम ठीक से कर रहे होंगे। दुगा, शेर को अपने पास बुला लो प्लीज। अमरीश को पहली बार सम्मान मिलने वाला है, हमें वहाँ जाना है। मेरे लॉजिक के मुताबिक आप सबको घर पे ही रहना चाहिए। सही लॉजिक है तुम्हारा इस बार। लगा 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 लगा, लेकिन कोई उठा नहीं रहा है। उतर, तू लगाता रहे, लगातार लगाता रहे, नहीं तो हमारे लग जाना फिर रस्ते। हाँ और की मुझे नहीं, इस समय बहुत टेंशन हो रहा है, हमारे लिए ग्रीन टी लेके आओ प्लीज। ओके। ओ यार, इस वेले ग्रीन टी पीने का टाइम है। गॉड, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? कहीं शेर निकल तो नहीं लिया? पहली बार ही मेरा कोई सम्मान करने वाला है।
आवाज भी आनी बंद हो गई, दिखाई भी नहीं दे रहा, लगता है चला गया। अमरीश प्लीज पागल मत बनो प्लीज। ओ यार पहली बार जिंदगी में कोई मेरा सम्मान करेगा, और तू भी चल आ जा। अगर जिंदा रहोगे तो बहुत सारे सामान मिलेंगे, हम तुम्हें सामान देंगे, बेस्ट हस्बैंड, बेस्ट फादर, बेस्ट फादर इन लॉ। प्लीज रुक जाओ। हाँ भौजी, जान है तो जान है, ये तो आप तो जानते हो, बाकी सब थूके हुए पान है। मतलब वही मतलब इसका सर, चुप कर खोदे। अमरीश प्लीज मत जाओ, हमें दोबारा व्हाइट साड़ी नहीं पहननी प्लीज। तो गुलाबी पहन नहीं गुलाबो। चुप कर, मैंने जान दे बस, मैं नहीं रुकने वाला। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। गाड़ी में बैठे और गए। ओह थैंक गॉड। मामी जी, आपके लिए ग्रीन टी और बाकी सब के लिए चाय। बाऊजी कहाँ है? बाऊजी दबे पांव कार में बैठ के फंक्शन के लिए निकल पड़े। चले गए। I'm sorry, शान। अरे सर आओ, सर आओ। नमस्कार जी। नमस्कार बाबा। सर बड़ा इंतजार कराया आपने जी। है ओए, कपड़े तो बड़े अच्छे पहने आपने, पुराने दिन याद आ गए जी। भाई इंसान को ना अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। और ओए ओए भाई, ट्रक तो बहुत सोना सजाया हुआ भाई। सर ये कांद ट्रांसपोर्ट का 500वां ट्रक है, मैं तो बस जी इसी दिन का इंतजार कर रहा था। अब तो जी आप रिबन काटो और इंजन स्टार्ट करो और अपने 500वें ट्रक का उद्घाटन कर दो जी बस। हाँ जी दे देंगे, पर और लोकानु भी तो आ जाने तो यार। लो जी आपका बेटा शान तो इधर ही है, बाकी भी आ जाएंगे, तब तक आप प्रेस वालों से बात कर लो। बड़ी देर से इंतजार कर रहे जी, और ना इंतजार कर पाएंगे जी प्लीज। अच्छा जी आज आज चलो। तो जा, मैं चूँ के बच्चे को संभालूँ। जा। अरे गो गो, I won't do anything. I promise. Thank you. बस जी इस तरह 30 साल गुजर गए। अमरीश ट्रक वाले तो कांत ट्रांसपोर्ट के असी चेयरमैन बन गए। बाकी तो सब नूं पता है, रब राखा, सत श्री अकाल। चंगा जी। चलो सर। एक वीडियो तो बनता है कैमरे के लिए, आप तो जी बस रिबन काटो, इंजन स्टार्ट करो और अपने 500वें ट्रक का उद्घाटन कर दो जी। चंगा जी आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वाह, तुम्हारे डैड ने काफी मेहनत से इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया। हां मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ हिम। हां यस सर, आई एम वेरी प्राउड। एक्चुअली मैं कभी पापा के बिजनेस में इतना इन्वॉल्व हुआ नहीं ये ट्रक वगैरह में, लेकिन मुझे पता है कि उन्होंने बहुत मेहनत की है और बहुत हार्डवर्क करके मुझे, मेरे भाइयों को पढ़ाया लिखाया, मुझे साइंटिस्ट बनाया। आई एम वेरी लकी टू हैव हिम। तो इतना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा ना जब उनका नाम, उनकी इज्जत कचरे में मिल जाएगी, वो भी एक मिनट में।